तो गाइस आ चुके हैं हम लोग चोर का घर में, जो हम लोग का देश का सोना लूटा है पूरा। तो गाइस हम आए अभी राहुल भैया, राहुल बोले प्रिंस भैया का दुकान में, चश्मा वाला दुकान में, इडली डोसा लेके हम लोग अभी ट्यूशन पढ़े हैं जस्ट, और हम आ गए इसमें दुकान में भैया के साथ। भैया साफ सफाई कर रहे हैं, देख सकते हैं आप लोग, बहुत अच्छा से साफ सफाई कर रहे हैं दुकान का, अपना खातिरदारी करते हैं। डॉक्टर बैठता है, डॉक्टर चैम्बर है पूरा ये, तो साफ करेंगे यहाँ पे, फिर हम लोग आराम से यहाँ बैठ के आए भाई, काफ़ी मज़ा आने वाला है। टेस्टी टेस्टी लाया इडली सुबह सुबह, क्योंकि पढ़ रहे थे ना, बहुत जोर भूख लगा था, पढ़ते कभी उठ सकते नहीं है, इस वजह से हम लोग अभी खाएंगे। और ब्लॉग भी एडिट नहीं हुआ पाया, अपलोड अभी नहीं हुआ है, आज भी टाइम हो गया है, कितना टाइम हो रहा है, 10 बज गया है, तो लेट हो गया था, पर कौन करना कहाँ स्विच। चप्पल बाहर खोल के अंदर आना होगा, क्योंकि चप्पल पहन के आ गए थे अंदर, गंदा था गाइस, चलते चप्पल बाहर खोलते हैं फिर आते हैं अंदर। तो गाइस ये नाश्ता हम लोग का, 2 इडली एक वड़ा, तो खाते हैं इसको फिर जाते भी हैं, क्योंकि जल्दी ले जाना घर। तो गाइस देखिए ये सब चीज़, आग चेक करने वाला ही चश्मा, जिसको पावर लगा हो जानता ही होगा क्या क्या होता है, इधर पावर का पूरा लाइन से क्या लिखा है नहीं लिखा है बताओ, समझ नहीं आएगा। कहाँ रखा था, यहाँ रखा था ना, रख देते हैं इसको, बंद भी कर देते हैं। डॉक्टर तो है नहीं हम लोग, प्रिंस भैया को आपको आता है चेक करने, प्रिंस भैया थोड़ा मोड़ा आता होगा ना, भैया को थोड़ा मोड़ा आता है, पूरा नहीं आता है, क्योंकि उतना उनको लूर नहीं है, तो टाउन काम का कैसे हटेगा यार। हाँ हट गया, करते हैं सब बंद, डॉक्टर जब बन जाएंगे सब चीज़ें गाइस आँख वाला, तो उसको दिखाएंगे आप लोग को। अब चलते हैं अब घर के लिए, हो गया हम लोग का नाश्ता ख़त्म कंप्लीट, और ये भी थोड़ा देख लिए कैसा लगता है, और यहाँ पे रखा है कंप्यूटराइज वाला आँख चेकअप वाला, उसे खोलेंगे नहीं क्योंकि सबका छेड़छाड़ करना सही बात है नहीं, भैया बोलेंगे नहीं पर गर्मा तो जाएंगे मन में मन में। हाँ तो भाई चलते हैं अब घर। तो आज निकले नया सफर में मामू घुमाने के लिए, यहाँ तो विक्टोरिया की तरफ जा रहे हैं हम लोग, विक्टोरिया घूमने घुमा देते हैं, हम तो घूमे हुए हैं बट ये नहीं घूमे, इसलिए घुमा देते हैं विक्टोरिया भी इनको, और इसके बाद जाएंगे थोड़ा आउट साइड बिरला प्लेनेटेरियम तरफ जाएंगे, तो कहीं सब जगह जाएंगे दिखाएंगे आप लोगों को, तो बने रहे व्लॉग में। पैदल ही आ गया ना, सब साथ में लोग हैं, टेंशन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा साइड साइड है, फोटो आ जाएगा, साइड में रहता है हमेशा, फोटो आ जाएगा इसलिए उसका, वीडियो आ जाएगा हमारे, मुन्ना वो ठीक है, हम साथ में रहते हैं, वीडियो बोलते भी रहते हैं, क्या बोलते हैं इसको आप, भोलगास बोला उसको, भोलगास नया तरह का भोलगास है ब्लॉग, जब 1000 हो जाएगा तब इसका नाम रखा जाएगा ब्लॉग, जब 1000 हो जाएगा सब्सक्राइबर का नाम रहेगा ब्लॉग, अभी ब्लॉग से है भोलगास, ये भोलगास है, बाद में ब्लॉग हो जाएगा। तो गाइस आ चुके हैं हम लोग चोर का घर में, जो हम लोग का देश का सोना लूटा है पूरा, है तो गए गायब हो जाता रहे रहे। डिमिनिश बॉय है, हार्ट देख रहा कहाँ बैठे, हाँ बैठने का मन करे इसका अभी से ही, आते आते चलिए यहाँ नहाया जाए, तैरते हैं चलो, तैरने आता है आपको मुन्ना, खाली बड़ा बड़ा बोली है, कोई फंक्शन नहीं होता ना, बस समझिए फंक्शन है। और पूरा मस्त एकदम है, तो खूबसूरत ही है, जितना भी है चोर बनाया है, चोरी करके बनाया जिसे बनाया, लेकिन शासन पूरा इंडिया कहीं से किया था, लोग बड़ा अच्छा बनाया, खूबसूरती तो है, ये तो है कि हम लोग बोल सकते हैं कि कोलकाता में कुछ तो है, जहाँ हम लोग घूमते हैं हम लोग का कुछ है, आदमी आके बोले चलो भाई यहाँ चलो, बाकी दिल्ली उल्ली में तो है ही। तो गाइस यही है मेन गेट, और एक चीज़ तो अच्छा लगा देखने में कि इसका ऊपर अब इंडिया झंडा फहरता है, कितने साल पहले
मतलब 70-80 साल पहले इंग्लैंड का झंडा था, बट अब इंडिया का झंडा पैरता है। यही देख के तो खुशी मिलता है हम लोग को अब कि चलो अब तो हम लोग का हो गया ना इधर सुअर लोग। तो काफ़ी मस्त लग रहा है, है तो बहुत ज़्यादा बड़ा है, मतलब 1, 2, 3, 4, 5 कितना रूम भी है, मतलब ऐसी सब जब तो मुश्किल है, पर महारानी तो महल ऐसे ही होना चाहिए जैसे महल है। और सामने कितना मस्त बैकग्राउंड, सब खूबसूरत तो लगेगा आने में आप लोग को, बट एक चीज़ देखकर खुशी किया मिल रहा है कि ये इंडिया। और ये देखिए, लाइफ में फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि इतना लंबा लाइन विक्टोरिया मेमोरियल के बाहर, मतलब इतना लंबा लाइन आज तक हम देखे नहीं अपने लाइफ में कभी भी, कि लाइन लगाना पड़ेगा इतना लंबा फिर जाएंगे अंदर, डायरेक्ट घुस जाते थे, बट आज इतना लंबा लाइन लगा, कुछ हो गई, आदमी लोग बहुत आया हुआ है। तो गाइस देख सकते हैं कैसे कैसे विक्टोरिया मेमोरियल पूरा प्रिपेयर होकर बना था, 1916 में काम चालू हुआ था इसका, जो पूरा दिखा सकता है ये सब जो बना हुआ है। उसके बाद फिर 1916 में ये सब भी हुआ, बाहर का सब तो लकड़ी ही से बन लगा हुआ है अभी फिलहाल। फिर कंस्ट्रक्शन चालू भी हो गया था आधा से ज़्यादा 1916 ही में, डेट देखिए 1916 लिखा हुआ है डेट, और 28/11/1916 में आधा से ज़्यादा काम हो गया। अभी इंजीनियर्स पोजिंग फॉर फोटोज कर्जन स्टैचू, मैदान का बैकग्राउंड में खड़ा था ये लोग फोटो मार जाने के लिए। उसके बाद लॉर्ड कर्जन का स्टैचू बन चुका है यहाँ पे, यही लॉर्ड कर्जन। और उसके बाद 1917 में सब इंडियन वर्कर लोग कैसे काम करा बेचारा लोग सब बना रहा है, और फिर 1918 में आधा से ज़्यादा काम हो गया। अब वहाँ चलते हैं, फिर 1919 में ही चलते हैं, बाहर का काम हो गया और यहाँ का इतना तैयार हो चुका था। ये मेन गेट हुआ, जिसको आधा आदमी अभी समझता है ये बैक गेट है, बट ये मेन गेट है। और उसके बाद 1915 क्यों आ गया यहाँ, गलती से 1915 भी आ गया है। और मैदान सब जो है 1920 में फिर बनाया जा रहा है, पूरा कैसे बनेगा, पूरा मतलब खाली एरिया था, अभी जो पूरा भर गया है वो पूरा खाली था, अभी भी खाली है बट बहुत ज़्यादा भरा हुआ है। और उसके बाद फिर ये सब प्रिपेयर हो गया, जैसे ये डिज़ाइन बना हुआ है, ये सब विक्टोरिया के अंदर में आता है, ये सब पूरा मैदान है। आप लोगों का विक्टोरिया दिखाए थे बट बताए नहीं थे कुछ कि कब क्या हुआ था कब क्या नहीं हुआ था, आज जो करेंगे आज रहेगा सब, आप लोग को समझाएंगे भी कैसे कैसे हुआ है, कब कब हुआ है डेट के साथ। और गाइस ये है जॉर्ज 5, और ये कपड़ा है इसका बता रहे हम किसका है, हमको पता है आइडिया है हमको इतना, क्या तो नाम था, तांतिया तोप का कपड़ा है, हाँ ये तांतिया तोप का कपड़ा है गाइस, राजा का है ना तांतिया तोप, नहीं जानते हैं नाम सुने हैं तांतिया तोप का, उनका कपड़ा था ये। और गाइस दिस इज एन इनफील्ड गन जो कि काफ़ी मस्त लग रहा है, कितना ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, छोटा है पर बहुत मस्त है। उसका डेट कब बना था मैन्युफैक्चर, 1855 लेके 1868, 3 साल चला बेटा बस। और गाइस ये पियानो जो कि विक्टोरिया क्वीन को शायद गिफ्ट मिला था, मतलब गिफ्ट नहीं, वो अपना ट्यूशन में सीखी थी, यही पियानो सीखी थी, जो अब लिखा ही हुआ है आप लोग पढ़ सकते हैं अच्छा से, सर्टिफिकेट भी है उसका। तो यही सब है गाइस, और आगे चलते हैं और दिखाते हैं आप लोग को काफ़ी अच्छा अच्छा चीज़। तो गाइस देखिए आप लोग, यही जो स्टैचू देखा है उस टाइम जो बना था 1920 में, वही स्टैचू ये था यहीं पे जो बना था। और मेरा मामू बोल रही ये पिगी बैंक में क्यों खड़ी है, पैसा जमा कर देती थी पैसा कट गया होगा इसके पास बेचारी के पास, तो पिगी सही बात है, और झुक कर क्यों खड़ी है। हम लोग आते थे घूम ही रहे हैं, और जो जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वही दिखाएंगे, उसे कुछ नहीं दिखाएंगे आप लोग का, जो जिसमें जो जो बोल रहा सब सही बोल रहा है, पूरा जो जो इन्फॉर्मेशन वाला चीज है वही बताएंगे, उससे ज्यादा तो कुछ दिखाएंगे नहीं आप लोगों को, बेकार चीज आज। तो गाइस ये है टेलीस्कोप जो बनाए थे सैयद मीर मोहसिन हुसैन, और बनवाया था कैप्टन वॉग, ये है टेलीस्कोप उस टाइम का जमाना का। और ये है गाइस तोप जो ओरिजिनल है, मोटार कैनन जो एकदम ओरिजिनल है, ये नहीं पुराना नहीं है, सब एकदम ओरिजिनल, यहाँ मारा रहता था जोर से, और ये कुछ लगा रहता था उठा के इसको,
मारो सटाक से निकल जाएगा गोली। ये था, ये बनाया गया था 1757 बनाया गया था ये चीज़ को। अब वो वाला भी सेम है, दो साइड में ये रखा हुआ है और दो टेलीस्कोप भी है और सामने खड़े हैं माउंट क्लाइव या क्या नाम था, जो भी क्लाइव पढ़े तो है इनके बारे में भी हम लोग, तलवार लेके। और मेरे मामू अलग परेशान है फ़ोटो लेने में खाली। तो गाइस ये सब देखिए, ये सब नाइफ कितना भयानक है, ये कटर नाइफ, तो कटर सब कटर लिखा है ब्रैकेट नाइफ है। और करोल गज्जब ही लग रहा है, ये सब अलग टाइप का नाइफ है, सब आदमी को मार देगा एक बार में, मर जाएगा कोई भी। भाला वाला जो होता है, जो भी आइडिया नहीं हमको अच्छे से, बैठ उचार के चलते हैं ऊपर, ऊपर दिखाते हैं कुछ आप लोग, फिर निकलेंगे यहाँ से। तो गाइस हम लोग थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं यहाँ बैठ के, पानी के पास नज़ारा ले रहे हैं, अच्छा से काफी मस्त लग रहा है, अच्छा लग रहा है ना वो। एक नंबर मछली सब भी आ रहा है। मछली कहाँ है, बत्तख मछली है ना, बत्तख बत्तख कितना लाइन से लोग आ रहे हैं, रूल फॉलो कर रहे हैं, रूल फॉलो कर रहे हैं, साथ में चल रहे लोग। तो गाइस फिलहाल खा रहे हैं मूंगफली, मूंगफली में दाना नहीं, हम तुम्हें दाना नहीं, बहुत मज़ा आता है खाने में नमक डाल के मूंगफली। रांची में बहुत कहना मूंगफली, लेकिन हाँ तो खाते हैं गाइस को, 10 रुपये में एक ठोंगा देगा बोल रहे हैं, तो खाया जाए। घोड़ा देखा, घोड़ा यहाँ से, अब घोड़ा राइड, मामू का मन है घोड़ा में घूमने का, सोच रहे घुमा दे घोड़ा है अभी इनको, घोड़ा तो गाइस खाते हैं अब पापड़ी चाट, मूंगफली डाल दी थी मैं, अच्छा लग रहा, मज़ा आया खाने में, भैया भी खा रहा है, मुन्ना भी खा रहे हैं, तो हम भी खाते हैं गाइस, लेट नहीं कर, बहुत टेस्टी लग रहा है देखने में। तो हम लोग अब चलते हैं, हो चुका है हम लोग घूमना फिरना सब कम्प्लीट, खा भी लिए। और ये बगल में हो गया आपका सेंट पॉल कैथेड्रल चर्च, ये जो कि अंदर नहीं जाएंगे क्योंकि लेट हो गया, कभी और जाकर दिखा देंगे, हालांकि पिछला बार एंट्रेंस नहीं था, फिर एंट्रेंस मिल गया लेकिन लेट भी हो चुका है क्योंकि पढ़ाना है माहिरा लोग को। तो गाइस चलते हैं अब घर के लिए, आगे मिलेगा बस। तो गाइस आ चुके हैं घूम के, थोड़ा पढ़ा रहे हैं माहिरा को, हो भी इसका भी हो चुका है, पहले ही आ गए थे पढ़ाने के लिए, आधा घंटा हो गया और उस तरह से भी आ गए हैं, तो फिर पढ़ा के जाना है, फिर थोड़ा घुमाने और ही भाई घूमते रहते हैं वहाँ मेरा, दिखाएंगे जाएंगे तो। तो गाइस मिलिए श्याम से, पागल लड़का, उस दिन किडनैप हो गया था ये लड़का, उस दिन लड़का किडनैप हो गया था, सुन ना आज तो मेरे ही घर में, इधर कहाँ भाग रहा है, तेरा घर में थोड़ी आया आज, अब भागा रहा जो, किडनैप कैसे हुआ था तुम उस दिन, बोल ना किडनैप कैसे हुआ था, मुझे क्या पता, मुझे घर नहीं मालूम, बेचारा नीचे खड़ा उदास हो गया था, पूरा मुंह उदास बना लिया था, आई अब भुलाएगा, नाम क्या बोला था, तौसीफ, ठीक है जा जा खेल 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 के, पटक दे पटके, पटक खाली बोल, खाली में बोलते हैं ना पटकने के लिए, जब तक पटको पटको पटको, मैं इसको ना शादी में क्या कर देते ना, उठा के फेंक देंगे पलंग में ही, मतलब बेड में फेंक देंगे, अब गद्दा छोटी लगता है उसी को मैं मजा आता है, पटको पटको पटको। तो वैसे पढ़ा लिए हैं, चलते हैं वापस घर, भूख मिला, खाना है खाना, तो चलते हैं, चली चली कर रही है।